हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल महेश भाई पवन तिवारी में। तो देखिए, हम लोगों ने एक तरीके से 25 क्वेश्चंस के 3 सेट बनाए थे, जिसमें सेट एक तरीके से टेस्ट 2 जो था मॉडरेट वाला, वो मैंने पहले डाल दिया था। ठीक है, टेस्ट 1 को आज हम लोग करेंगे जो कि इजी शिफ्ट का है, बट इसमें देखिए 5 से 6 क्वेश्चंस केवल इजी है, बाकी क्वेश्चंस का लेवल मैंने ठीक ठाक रखा है। देखिए, ज़्यादा इजी कर देंगे तो उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, इसलिए लेवल ठीक ठाक है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस को करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए करते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस एक तरीके से बार क्वेश्चन जो थे रिकरिंग क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट पे आए थे काफ़ी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी अपन सीखेंगे क्योंकि ज़रूरी है इसको सीखना। आप लोग कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों को मेरा तरीका देखना चाहिए मैं कैसे करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मैंने पिछले उसमें ही बताया था कि कैसे मैं करता हूँ। इसमें देखिए 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं पहली संख्या में भी 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 477 और उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो 7 के ऊपर बार लगा है इसका मतलब है कि 77 आता रहेगा उसके बाद में, तो अगर मैं 77 के ऊपर भी बार लगा देता हूँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बाद भी 77 आता रहेगा बार बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है कि 0.503। ठीक है, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाए, जब एक तरीके से सेम संख्याओं के ऊपर सेम नंबर्स के ऊपर जब बार लगा होता है तभी आप लोग उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसको ऐड कर दीजिए, 7 3 10, 1 7 1 8 और 5 4 9 और 8 और 0 के ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब इन 2 संख्याओं को यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले अगर नंबर की हम बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 39 में से 3 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और अपॉन में 1 के ऊपर बार लगा हुआ इसका मतलब 1 बार 9 लिखोगे और जिसके ऊपर बार नहीं लिखा हुआ है उतने क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। 39 और 9 के ऊपर देखिए क्या बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 39 में से क्या घटाना है आपको, 3, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है वो संख्या ऊपर लिखते हैं। 9 के ऊपर बार लगा, एक संख्या के ऊपर बार लगा, इसका मतलब केवल 9 लिखूंगा मैं, और 0 मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि एक संख्या केवल ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 8 के ऊपर बार है उसको सीधे 8/9 लिख देंगे। ठीक है, ये कितना आ गया, 9 चौक 36, ये आ गया 32/90। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट खेल है क्योंकि 32/90 को बार में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, 0.35 और केवल 5 के ऊपर बार। ठीक है, अब मैंने जो अभी समझाया 39 वाले में कि 35 में से जब 3 घटाओगे तो 32 आएगा, और 5 के ऊपर केवल बार है तो 9 आ जाएगा, और 3 के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या है तो 0 आ जाएगा। तो 32/90 को हम लोग लिख सकते हैं 0.35 और 5 के ऊपर बार। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ऐसी संख्या में जिसमें 2 संख्याओं के ऊपर बार हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 355 और 55 के ऊपर बार लगा दूंगा। क्यों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर 5 को मैं बार बार 5 5 लिख सकता हूँ तो 55 को मैं बार बार 5 55 55 लिखूंगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 55 बार बार आएगा, इसका मतलब है कि 5 ही बार बार आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब ये क्या लिखा हुआ था, 980 और इन 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा था, और घटाना था मुझे तो मैं घटा देता हूँ 0.355 और इसके ऊपर बार लगा हुआ, तो इसको सिंपली घटाना है आपको, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 5 क्या 2, और इन 2 संख्याओं के ऊपर बार लगे क्योंकि केवल 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, और 9 में से 3 जाएगा तो 6। ठीक है, 6 के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ है, तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी a की पावर n प्लस b की पावर n, और n यहाँ पर क्या होता है, विषम संख्या होती है, मतलब ऑड नंबर होता है, तो आपको पता है इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है मतलब 3 3 होता है, मतलब विषम होता है। इसका मतलब है कि उसका एक तरीके से मल्टीप्लाई क्या होता है, ए प्लस बी भी होता है फैक्टर। इसका मतलब है ए प्लस बी से हम लोग डिवाइड कर देंगे 32 को, देख लेते हैं क्या बच रहा है। तो अगर आप 7 7 14 के 1 और 9 2 11 12 2 लगा 1 और 2 224/32, अगर आप इसको 7 बार डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 7 बार करोगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं, ए प्लस बी को कर लेते हैं, उसके बाद जो भी संख्या से डिवाइड करने को बोला जाए आप नॉर्मली डिवाइड कर दीजिए, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए वही है, इजी शिफ्ट का मैंने पेपर लिया तो कुछ क्वेश्चन ईजी भी रहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे करना है, आपको बोल रहा है कि 40 50 60 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से उनके उत्तीर्ण होने का जो परसेंटेज है वो 100 90 80 है। अब 40 का 100% का मतलब 40 पास हुए होंगे,
50 का 90% है, इसका मतलब 45, ठीक है, और 60 का 80 इसका मतलब है 48, ठीक है। टोटल नंबर कितना है, 50, 40, 90, 60, 150, इसका आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, 50 से दो बार जाएगा, 50 से तीन बार, ठीक है। इसको आप ऐड कर दोगे 40, 40, 40, 120, 128, 5, 133, ये आ गया आपका 133, और इसको दो बार कर दो, दो तीन छः, दो तीन छः, और दो एक कम दो, ठीक है, और ये आ गया 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 8 24, 2 3 8 24, और 2/3, मतलब का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको तो आप लोग कर ही लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत सिंपल सा है, परसेंटेज का मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि तेल का मूल्य आपको पता होना चाहिए कि जो तेल का मूल्य होगा, तेल का मूल्य इंटू जो खपत होगी, ठीक है, जो कंजम्पशन होगा और जो प्राइस होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो और हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो तेल की जो कीमत है इंटू खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा, खर्चा, एक तरीके से आप लोग लिख सकते हो हिंदी में, कि जो आपका टोटल खर्चा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, इसका मतलब 20% को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/5, 20% को क्या लिख सकते हो, 1/5, इसका मतलब है कि अगर पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। खपत कितनी, इतनी कम हो जाती है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो 8 3 24 1 25, तो 25/3%, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, तो यह आ जाएगा 1/12, इसका मतलब अगर पहले 12 था तो अब 11 हो गया, एक कम हो गया, 1/12 का मतलब क्या है, 1/12 कम हो गया, इसका मतलब है कि 12 से 11 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा था, 12 5 60, यहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, 66, आपको दिख रहा है साफ साफ कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ठीक है, 6 बढ़ रहा है किससे, 60 से, तो साफ साफ 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप लोग इस पर टिक लगा दोगे, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन को सीधे लिया और उसके बाद वो सॉल्यूशन करवा दिया, एक दो गलतियाँ अगर हो जाती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मैंने उसको सॉल्व करने का टाइम नहीं था मेरे पास, डायरेक्टली मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, हो सकता है कि दो क्वेश्चन में कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, ठीक है, वैसे होगी नहीं लेकिन एक का हो सकती है मे बी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक नियोक्ता, ये सेम पिछले पैटर्न पर क्वेश्चन है और ये प्री में आते रहते हैं क्वेश्चन, कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों को, और देखिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, लास्ट तक अगर आप 25 क्वेश्चन तक वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को अगर क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग स्किप कर करके आगे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या होता है, देखिए सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की संख्या गुणे वेतन, मतलब इंडिविजुअली, मतलब एक आदमी, अगर एक आदमी है 10 रुपये उसको मिल रहा है तो उसका मतलब है कि टोटल कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर दो आदमी है और एक आदमी को 10 रुपये मिल रहा है तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है कि पहले कह रहा है कर्मचारियों की संख्या 9-8 के अनुपात में थी और वेतन जो उनका था वो 14-15 के अनुपात में था, ठीक है। तो कह रहा है कि रेशियो, तो यहाँ पे जो वैल्यू और यहाँ पे उसका रेशियो पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 9 126 और 15 8 120, तो आपसे नॉर्मली बस रेशियो पूछा है 126 120 का, तो 6 2 12 1 6 2 12 21 20 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है, इसमें आपको उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये फर्जी दिया हुआ है बस, ठीक है, डराने के लिए आपको। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है पेपर में, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग भी सीखनी है, और ये तो बहुत ही सिंपल है वैल्यू पुटिंग से, ठीक है, प्री लेवल का सवाल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर मैं 10 को मान लूँ, 5 2 10, इसका मतलब 5 और 2, ठीक है, और यहाँ पे 5 2 7, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। अब ये चीज़ दी गई, ये थोड़ी सी अच्छी है, अगर आप 5 का क्यूब करते हो तो 125 हो जाएगा और 2 का क्यूब करते हो तो 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर दोगे तो 133 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है, 125 अट्ठे कितना होता है, 1000 होता है, सिंपल सा डिवाइड मार दोगे तो 0.133 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है कि ओ आपका क्या है, परिकेंद्र, ठीक है, ओ आपका क्या है, परिकेंद्र है। अब आपको पता है कि परिकेंद्र से शीर्ष की दूरी जो होती है बराबर होती है, क्योंकि आपका क्या बनता है, एक तरीके से ये जो है ये परित्रिज्याएं हैं, ठीक है, सरकम रेडियस हैं, सर्कम रेडियस तो बराबर होगी, ठीक है, सारे सेंटर एक तरीके से आपके शीट्सों से, ठीक है। अब क्या करना है आपको, परिकेंद्र के बारे में एक नॉलेज आपको और होना चाहिए कि जो आपका सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो इस एंगल का मान लीजिए इसको मैं ए लिख लूँ, इसको बी और सी, ठीक है, ठीक है। अब ये अगर मैं इसको थीटा मान लूँ
तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा होता है, डबल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ से निकल के आती है कि ये जो अगर ये 2 थीटा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में ये साइड जो है आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये सर्कम रेडियस है। अब एक ट्रायंगल में अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। अगर ये 2 थीटा है इसका मतलब ये कितना रहा होगा, ये 90 माइनस थीटा रहा होगा और ये भी 90 माइनस थीटा रहा होगा, क्योंकि देखिए अगर तीनों को ऐड करेंगे तभी तो 180 आएगा। ये माइनस का थीटा माइनस का 2 थीटा और वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और 90 90 180 बना देगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाया, इसको मैंने थीटा लेट कर लिया, ये 2 थीटा अपने आप हो जाएगा क्योंकि सर्कम सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है अपने सामने वाले एंगल से, ठीक है। तो ये 2 थीटा हो गया, ये दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो एंगल होंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे, मैंने बता दिया क्यों होंगे, ठीक है। आपसे क्या पूछा, एंगल OBC, तो एंगल OBC कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है, प्लस BAC कितना है, मैंने थीटा लेट किया था, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 90 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसको मैं आपको भी दे सकता हूँ बट मैं करवा देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। 3/4, अब देखिए भाग को पहले सॉल्व नहीं करते हैं, पहले ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 9/16 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 4/3 प्लस 5/2। अब भाग को मैं फिर लगा देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई वाला देखिए सॉल्व होगा, ये ऑफ फिर सॉल्व होगा, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। ऑफ पहले सॉल्व होता है और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। माइनस का 2/3 प्लस, अब देखिए ये फिर ऑफ सॉल्व होगा तो ये 2 × 6 और 5/9 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, अब देखिए 3, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लूँगा अगर, तो ठीक है आगे कर लेता हूँ, तो गुड़े में चेंज होगा तो 16/9 हो जाएगा और ये 4/3 रहेगा। देखिए भाग सॉल्व होगा, भाग मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो संख्याएं आपस में पलट जाती हैं, ठीक है, सिंपल सा फंडा है। 5/2 ही रहेगा, ये यहाँ पे गुणा होगा तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा। माइनस का, इसको मैं 9 बदल लूँ तो ये 6/5 11/9 हो जाएगा, ठीक है। 2 × 6 और 2 × 2 = 4, सॉरी 9 करेंगे, 3 × 2 = 6 6/5 11/9, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 4 × 16 और 3 से 3 कैंसिल आउट, 16/9 आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 11/9, ठीक है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, तो 5/9, तो 5 + 5/9 तो 50/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। उसको सॉल्व करिएगा, 9 × 45 = 5 50/9। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए सिंपल सा फंडा होता है, बस आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है कि पहले क्या सॉल्व होता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, ब्रैकेट के अंदर आप पहले सबसे पहले बार को सॉल्व करिए, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है कि आपको पकड़ना है कि कौन सा स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी होता है, उधर ले जाके 2 कॉमन लेके होता है, बट यहाँ पे मुझे ये ज़्यादा सुटेबल लग रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है कि माइनस का 4xy है, इसका मतलब है कि एक जो स्क्वायर बनेगा, एक क्वाड्रेटिक जो फॉर्म बनेगी वो x और y दोनों की बनेगी, और क्योंकि यहाँ पर एक ही y स्क्वायर है, इसका मतलब है कि आपका जो 8x² है ना, ये 4x² और 4x² में टूटेगा, ठीक है। तो एक तो मैंने देखिए इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत आपको, 4xy का 4xy लिख लिया, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर लिख लिया, बस मैंने 8x² को क्या किया, 4x² में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो दूसरा वाला 4x² भी इधर पहुंच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8x² देखिए आपका आ रहा है। बचा हुआ क्या है, देखिए एक तो माइनस का 12x और प्लस का 9, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 2x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 2x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि स्क्वायर जब इस तरीके से क्या करते हैं अपन, कंपेयर करते हैं, तो ये टर्म और ये टर्म 0 के इक्वल हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3/2, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स की वैल्यू y/2, ठीक है, या 2x = y भी होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मली वैल्यू पुट करनी है तो 14 × 3/2 - 5 × 3, तो ये आ गया 21 - 15 जो कि 6 आपका आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए ये बहुत आ रहा है आजकल SSC में, इसलिए मैंने इसको ले लिया।
इस क्वेश्चन में देखिए होता क्या है कि ये एक्चुअली आपको ये कह रहे हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc, ठीक है, ये आपको गिवन है एक तरीके से। इसका मतलब है कि इस 3abc को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 3abc हो जाएगा और यहाँ पे जीरो बचेगा। ये जीरो कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा एलजेब्रा का, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो उसने पढ़ा रखा होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। और जब ये अंदर का टर्म चेंज होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला टर्म जब चेंज होता है तो 1/2 बाहर आ जाता है। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमेशा मल्टीपल में दोनों फॉर्मूले में। इसका मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी को मैं जीरो कर दूँ तो जो इधर का टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc वो जीरो हो जाएगा। वही आपको यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब है कि ए बी सी की वैल्यू जीरो होगी। ए क्या है? ए है 5x माइनस 3। बी की जगह देखिए, बी क्यूब की जगह बी से अगर कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू क्या दी है आपको? 2x प्लस 5। और ये 27 बाहर है, इसको 3 को आप अंदर करोगे, ठीक है। 27 बाहर क्यों है? क्योंकि अंदर से 3 बाहर निकला होगा तभी 27 बाहर होगा। 3 को अगर आप अंदर कर दोगे तो 3 × 4 = 12 और 3 × 9x, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि माइनस का 2x है तो मैं 2x को इधर भेज देता हूँ और इसको सॉल्व कर लूँ तो 12 × 5 = 17 में 3 × 14 x की वैल्यू आ गई 7 उठा के यहाँ पर रख दो तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, प्री लेवल के हिसाब से पहला क्वेश्चन है। धारा के प्रतिकूल, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि x अगर आपके नाव की चाल है और y आपकी धारा की चाल है तो आपको क्या दे रखा है? देखिए x माइनस y दे रखा है 900/12 और मीटर को मैं सेकंड में चेंज कर लेता हूँ जिससे आपका जो एक तरीके से पूरा यूनिट रहे वो किस में रहे? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो प्रतिकूल वाला हो गया। अब अनुकूल वाला क्या कह रहा है? ये एक्चुअली क्या है? ये समय है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे कि आरंभिक बिंदु पर अब देखिए वापस आ रही है तो अगर गई प्रतिकूल में है तो आएगी अनुकूल में, ठीक है। तो 900/9 min × 60, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? उस आदमी की स्थिर जल में गति, मतलब इस तरीके से आपसे नाव की गति पूछी गई है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लो। 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 6 से जाएगा तो 15 बार, 3 से कट रहा है तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो 5/4 यहाँ से आ रहा है। ये 0 से 0 कट गया, ये 9 धाम, तो ये आ गया 5/3, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपने इनको सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे ही ऐड करोगे y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 × 15 और 4 × 5 = 20 और नीचे क्या आ रहा है? 4 × 12, ठीक है। तो ये आपको आता हुआ दिख रहा है कुछ 35/24, x की वैल्यू आ रही है 35/24। अब आपको पता है कि मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × 7 = 35 और ये 36 × 18 और 6 × 4 = 24, इसका मतलब 21/4। तो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 21/4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। देखिए आपको तरीका आता होना तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। जब भी आप CP और SP का सवाल देखो तुरंत एक जगह CP लिखो इधर SP लिखो। आपसे कह रहा है कि यदि 69 रुपये में तरबूज बेचता है तो 69 में बेचा तो उसको 8% का नुकसान होता है। तो CP क्या रहा होगा? 69 × 100/92, क्योंकि 8% का नुकसान है। तो ये 23 × 69 और 23 × 4 = 92 और ये 4 × 25। किसी का कॉल आ गया, देखिए चलो इग्नोर करते हैं। तो CP कितना देखिए आपका आ गया? 75 आ गया, ठीक है। 75 आपका CP आ गया और 69 आपका SP है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 16% यदि मुनाफा हो तो तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो अगर 16% इसका आप 16% निकालोगे तो 75 का 16% क्या होगा? 16% को क्या लिख सकते हो? 4/25। तो 25 × 75 3 × 4 = 12, मतलब आपका 12 रुपये का अगर प्रॉफिट। तो 75 में 12 को ऐड करोगे तो 87 आपका क्या हो जाएगा? SP हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्री में, आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी, तो आदमी लिख लेता हूँ, आदमी को ए से, महिला को एम से और बच्चे को बी से, ठीक है। इनकी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। देखिए आपको कि आदमी जो है वो महिला से दुगना काम कर रहा है
और महिला जो है वो लड़के से दुगना कर रही है। तो मैं सबसे पहले लड़के की इफिशियंसी एक मान लेता हूँ, तो महिला दुगना कर रही है तो एक से दो हो जाएगा, आदमी महिला से डबल कर रहा है तो दो का चार हो जाएगा। इसका मतलब तीनों की इफिशियंसी अगर मैं ऐड करूँ तो कितनी आ रही है, सात आ रही है। तीनों मिलकर सात दिन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब सात गुणे सात टोटल काम है, ठीक है। सात इफिशियंसी तीनों मिलकर कर रहे हैं तो सात इफिशियंसी से कर रहे होंगे, सात दिन में कर रहे हैं तो सात गुणे सात टोटल काम आ गया आपका। कह रहा है लड़का अकेला कितने दिन में करेगा, तो लड़के की इफिशियंसी एक डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 49 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देखिए एवरेज का प्यारा सा क्वेश्चन, क्योंकि इजी शिफ्ट थी तो मैंने सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं। जो अपना टेस्ट 3 आएगा उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि वो टफ शिफ्ट है, ठीक है। तो टफ का मतलब ही टफ होता है और इजी का मतलब इजी होता है, बट सारे क्वेश्चंस इजी नहीं है, ठीक है। नहीं तो SSC जो इजी पेपर देती है वो बहुत ही इजी देती है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस लेता तो मुझे मज़ा नहीं आता करवाने में, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस अच्छे लिए हैं, ठीक है। तीन संख्याओं का एवरेज आपको दिया गया है 154, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं अगर बेसिक से आप करें तो। कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी, मतलब वही वाला काम है 1, 2, 4 वाला। तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ 4x 2x + x, ठीक है। तो ये 7x = 154 × 3 आप कह सकते हो, 7 × 14 × 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66 आ जाएगी, ठीक है। कह रहा है पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है, 4x है, तो 4 × 66, 4 × 24 2 × 24 = 26, तो 266 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम रटा होगा आपको, विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको टिक लगाना, यही कर बताने के लिए मैंने किया कि इजी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप 2 सेकंड के अंदर टिक मार के, क्योंकि आपको पता है कि जब a+b = 45 या 225 होता है तो इसकी वैल्यू 2 होती है। अब आपको 2 एक्स्ट्रा दे रखा है इसीलिए, क्योंकि जल्दबाजी में आप 2 लगा के ना चले जाओ। जहाँ से मैंने कॉपी किया था उस क्वेश्चन को, वहाँ पर बंदे ने इसका आंसर 2 ही लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 2 भी है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है, 4, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1+10 है इंटू 1+10 भी होता है, इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्या कह रहा है देखिए कि 50 किलोग्राम से कम वजन वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 50 ये रहा, कम मतलब इन दो की वैल्यू कितना, 70 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 55 किलोग्राम या उससे अधिक वाले, तो 55 ये रहा, इससे अधिक वाले मतलब ये 3, क्योंकि यही 3 दिख रहे हैं आपको, इनको ऐड कर दो तीनों को, तो 55 और 5 = 60, 100, 125, ठीक है। तो कह रहा है कि अधिक वजन वाले विद्यार्थियों से कितना कम है, तो ये से कितना कम है, तो कितना कम दिख रहा है आपको, 55 कम दिख रहा है किससे, 125 से इंटू 100, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 25 × 25 = 100, और ये 5 से 11 बार और 11 × 44, इसका मतलब 44% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। 44 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल देखिए जैसे ही आप सवाल में दिखता है आप तुरंत देखो ध्यान से कि यहाँ ABD है, ABC नहीं है, ठीक है। तो ABD और CBD का मध्य बिंदु है, तो माध्यिका वाला फॉर्मूला लगाना है आपको बस, ठीक है। AB आपको 10 दिया गया है, AD आपको 12 दिया गया है, AC आपको 9 दिया गया है, और BD पूछा है आपसे, पूरा BD पूछा है, तो आपने क्या किया, इतने पार्ट को x मान लिया, तो ये भी x होगा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि 10² + 12² तो कितना हो जाएगा, ये 244 भाई, 10² 100, 12² 144, दोनों को ऐड कर दो 244, फिर क्या होता है 2, उसके बाद क्या, माध्यिका का स्क्वायर 81 + x², ठीक है। अब ये 2 से इसको जाओगे तो कितना आ जाएगा, 122 माइनस का 81 = x², तो 19 कितना आ जाएगा, 41, तो x की वैल्यू आ जाएगी √41, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको पूरा BD चाहिए, इसका मतलब आपको 2x चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो 2√41 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा देखिए थ्योरम होती है, बट आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने मेंसुरेशन में भी एक थोड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने परसेंटेज वाला मिक्स क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को, एक कह रहा है आयतन की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूला पता है कि πr² है, जिसमें पाई पे एक तरीके से डिपेंड नहीं करता है ये सवाल परसेंटेज वाला, केवल r² h पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपसे बोला कि आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, मतलब 5 से 6 और 5 से 6। मैंने 2 बार क्यों किया, क्योंकि r² होता है, ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे वक्रपृष्ठ होता, समझ रहे हैं आप, अगर सरफेस एरिया होता
तो केवल एक बार करते, क्योंकि वहाँ पे आर होता है केवल, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। कम या ज़्यादा जो भी हो रहा हो, अभी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था तो पाँच से छः, पाँच से छः। अब देखिए क्या है, आपको हाइट नहीं दी गई, आपसे पूछा कितनी कम होती है हाइट, कि आयतन सेम रहे, ठीक है, मतलब आपका वॉल्यूम दोनों स्थिति में बराबर होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि पचम 25 हो रहा है, तो मैंने चार हाइट अपने मन से मान ली, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, अब यहाँ पे 100 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 100 होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर करना है। अब यहाँ पे 100 कर लिया तो इस जगह पे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 36 तो ये, इसका मतलब यहाँ पे आएगी 100/36, तभी तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। अब कितना हो रहा है, देखिए कम हो रहा है, 4 से इतना, तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये 25 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब मैं इसको अलग से लिख लूँ, हाइट कम हो रही है, 4 से 25/9 हो रही है। कितनी कम हो रही है, तो आपको पता है कैसे सॉल्व करेंगे, 4 माइनस का 25/9 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 से कम हो रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। 5 से 6, 5 से 6, उस हाइट को मैंने कुछ भी माना नहीं, मैंने हाइट को उसके बाद यहाँ पे 4 माना, क्योंकि मुझे यहाँ पे 100 रखना था, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी 100 रखना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का बराबर है। अब मुझे यहाँ वाली वैल्यू कहाँ से निकालनी पड़ेगी, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी और इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, 100/36, उसको सिंप्लीफाई कर लिया, 25/9 आ गया। 4 से 25/9 हो रही है, कितनी कम हो रही है, इसका मतलब 4 माइनस 25/9 अपॉन 4 इंटू 100, तो 100 को नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो 9 चौको 36, 36 में 25 जाएगा तो 11/9 इंटू 4 इंटू 100, ठीक है, 4 से 25 तो 11/25/9, 11/25 और 27, 275/9, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 30/5/9, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हो, समझाने की वजह से बहुत टाइम लग जाता है, नहीं तो इन क्वेश्चन को करने में 15 सेकंड लगते हैं केवल, 5 से 6, उसके बाद 100/36, इधर 4 और आपका हो गया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस। जैसे यही क्वेश्चन है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है केवल। सामान्य गति की 60%, मतलब अगर तुम 10 से चल रहे हो तो कह रहा अगर तुम 6 से चलने लगो, ठीक है, तो अगर आपका इसको अगर मैं रेशियो में बदलूं तो और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 5 से 3, तो ये तो वेलोसिटी का हो गया ना, टाइम का क्या होगा, 3 से 5, आपको पता है उल्टा होता है, ठीक है, 3 से 5, कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुंचता है, कितनी देरी हो रही है, 2 की देरी हो रही है, और आपको एग्जैक्ट डेटा क्या दे रखा है, 1 घंटा 40 मिनट, अगर मैं इसको मिनट में चेंज कर लूँ तो ये हो जाएगा 100 मिनट, तो 100 मिनट हो गया, 1 की वैल्यू 50 मिनट। अब आपसे पूछ रहा है कि सामान्य समय, मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो एग्जैक्ट टाइम है 3, 50 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 150 मिनट, अब 150 मिनट को घंटे में कैसे लिखोगे, 2 घंटे 30 मिनट, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2.5 घंटे, ठीक है। सब रेशियो का मजा है, ठीक है, रेशियो का मजा है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में रेशियो का पूरा पूरा मजा है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपसे क्या रखा है सवाल में, कि कभी कभी डेटा देखिए फर्जी दे रखा हो, जैसे यहाँ पर 150 का डेटा है तो फर्जी दे रखा है, ठीक है, आपसे बोला कुल अंक 600 हैं, आपको पता है कि जब भी पाई चार्ट कभी भी डिग्री वाला होता है तो 360 टोटल होता है, ठीक है, और वो टोटल आपको 600 दे रखा है। अगर मैं उसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये हट जाएगा, छिकनक 36 10, मतलब 6 डिग्री की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब सवाल पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा बी और डी विषयों में प्राप्त अंकों में कितना अंतर है, तो बी में 84 ला रहा है, 84 डिग्री, डी में ला रहा है 72 डिग्री, कितना अंतर आपको दिख रहा है, 12 डिग्री का। अब आपको पता है 6 डिग्री की वैल्यू 10, तो 12 डिग्री की वैल्यू 20, तो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी चीज़ें आपको फर्जी दे रखी होती हैं, आपको थोड़ा सा समझना होता है कि कैसे चीज़ों को करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए ने एक बैंक में एक्स रुपए की राशि का निवेश 2 वर्ष के लिए किया, जिससे उन्हें पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 6% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कि 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, इसका मतलब है कि 20 से 21 हो गया होगा, CI में ऐसे ही करते हो, ठीक है, याद है 10% 10 से 11 करते हो, तो अब अलग अलग परसेंटेज दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% 1/20, तो 20 से 21 हो रहा है पहले साल में, अगले साल में 6%, इसका मतलब है 6% को चेंज करोगे तो 6/100 3/50, इसका मतलब है कि 50 से 53, ठीक है, 50 से 53 हो रहा है। अब आपसे बोला है कि 2 वर्ष बाद उनको इतना रुपए मिलता है, इसका मतलब है कि अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 21 × 53 करूँगा, तो यही चीज़ आएगी क्या, अमाउंट 24,486, और मूलधन प्रिंसिपल क्या होगा आपका 1,000, जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा,
और इनको घटा देते हैं आपस में तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। पर आपको यहाँ पे अमाउंट दिया गया है तो 21 × 53 को उसके बराबर कर देंगे। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। सबसे पहले 7 से काटो, तभी तो 7 × 21 3 × 7 = 28 6 × 7 = 63 56, ठीक है। 3 से काट दो, 3 × 1 = 3 3 × 1 = 3 53 × 18 53 से काट दो तो 1 53 पूरा चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए 53 × 2 = 106 फिर 10 106 फिर 53 × 2 = 106 मतलब 22, 1 की वैल्यू 22 तो 1000 की वैल्यू 22000। देखिए एक तरीका तो ये था, एक तरीका डायरेक्टली था, ट्री मेथड से आप सीधे वैल्यू को उठा लेते। अगर आप 22000 को उठाओगे तभी जाके 24000 देखिए 2 साल में लगभग बनेगा, ठीक है। आप गंदी गंदी वैल्यूज़ को मत उठाइए कि आप पहले 21500 को उठा रहे हैं फिर आप 22500 को, जो एग्जैक्टली वैल्यू आपको दिख रही है पहले उसको उठाइए, ठीक है। तो आप इसको ट्री मेथड से भी लगा सकते थे, ठीक है। नहीं तो ट्री मेथड में क्या होता है कि थोड़ा सा लोग ऑप्शन में भटक जाते हैं। ये ऐसा तरीका था जिससे आपको ऑप्शन नहीं देखने हैं, आपको सीधा सवाल कर देना है बस, ठीक है। सीआई के सवाल में देखिए, जब भी दूसरे से तीसरे साल का पूछा जाए या तीसरे का चक्रवृद्धि ब्याज दिया चौथे का पूछा जाए तो आपको केवल क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर देखिए तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है आपको, 12,100 रुपये दिया गया। चौथे वर्ष में पूछा है तो केवल इसी का 9% निकाल के ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, ठीक है। तो चौथे वर्ष में क्या मिलेगा, इसका 9% निकाल के ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 और 1089 इसमें ऐड कर दो, कर दो ऐड 13189 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा 3D आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कि मैं गोला बना रहा हूँ, आपको वृत्त लग रहा है ये, बट ये गोला है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या बना रहे हो, आपको ये स्क्वायर लग रहा है पर ये घन है, आपको सोचना है चीज़ों को। अब जब गोले में इस तरीके से आप डायमीटर को लोगे ना तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी घन की सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबा विकर्ण कह सकते हो आप, या विकर्ण कह सकते हो, लंबा क्या है मतलब उसमें तो एक ही होता है ना, ठीक है। तो a√3 मतलब अगर घन की भुजा a है तो उसका सबसे एक तरीके से विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। और a√3 जो है वो इस गोले का व्यास है, त्रिज्या 6√3 तो व्यास 12√3, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग, गोले का जो व्यास है ठीक है वो उस घन का विकर्ण है, ठीक है, सबसे लंबा वाला, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। आप कमरे में अगर बैठे हो तो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जो एक तरीके से विकर्ण होगा ना वो क्या होगा, इस गोले का व्यास होगा, ठीक है। तो a√3 होता है विकर्ण, व्यास 12√3 है, तो यहाँ से आपको उस घन की भुजा पता चल जाएगी 12। अब आपसे यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब कट आउट फ्रॉम द स्फीयर विल बी सरफेस एरिया पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया जब भी अकेला पूछा जाए इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² × a² मतलब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 6×6=24 2 और 26 2×6=6 864 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि एक तरीके से ऐसा डेटा दे रखा है जो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि यदि sec a प्लस tan a इक्वल टू a है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि sec a माइनस tan a इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/a, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू दिए उसको उल्टा कर दो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि a से 1/a कट जाएगा 1 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, जो कि एक तरीके क्या होती है, सिमिलैरिटी, ठीक है। अब क्या यहाँ पे देखिए आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, आपको cos a चाहिए ना तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, दोनों कट जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 sec a इक्वल टू a प्लस 1/a, तो sec a की वैल्यू आ जाएगी a² + 1/2a, ठीक है। अब आपको cos a चाहिए तो उसका उल्टा कर दो, 2a / a² + 1, जो कि ऑप्शन नंबर b है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है जो कि आता रहता है पेपर में, कैसे करते हैं देखिए, मैं इसको कैसे करता हूँ, मैंने एक फंडा निकाल रखा है बस कि आपको क्या करना है, सभी ऐसे करते हैं बट कुछ अलग तरीका भी होता है मुझे ऐसा पता है, बट मैं कैसे करता हूँ कि 24 में देखिए पूरा जा रहा है 4 × 24, तो
तीन की पावर चार, सबकी पावर चार लेते रहो बस, ठीक है। कभी भी डाउट में मत रहो कि कोई अलग संख्या हो तो दो लेते हैं, कभी चार लेते हैं, ऐसा मत डाउट में रहो, हमेशा चार लो, हमेशा आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो चार से चौबीस पूरा जा रहा है, इसका मतलब तीन की पावर चार जो होगा उसका यूनिट डिजिट उठाना है आपको। तो तीन तरीका नौ, फिर इक्यासी, फिर एक, तो मतलब तीन आ गया यहाँ पे। माइनस का अड़तीस का चार में डिवाइड करोगे तो दो बचेगा, चार ना मैं छत्तीस, दो बचेगा, तो सात का स्क्वायर दो बार मतलब उनचास आ जाएगा। इसमें करो तो चार एकम चार, चौदह, चार थे फिर दो बचेगा, तो छः का दो, छः में हमेशा छः ही आता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? ओ सॉरी, यहाँ पे वन आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा। तीन की पावर चार क्या होता है, इक्यासी होता है, तो वन आएगा, ठीक है। सात एडिशन हो जाएगा, माइनस का नाइन। अब देखिए सात से नौ घटा के दो नहीं आएगा, सात से नौ घट रहा है इसका मतलब है सत्रह से नौ घट रहा है, ठीक है, सत्रह से नौ घट रहा है इसका मतलब है आठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया आपको यूनिट डिजिट का मतलब? इकाई के अंक कैसे निकाला जाता है कि आपकी जो पावर दी होती है उसमें चार का डिवाइड मारो, जो रिमाइंडर बचे उतना ही उसकी पावर कर दो, सात सात की पावर दो करोगे, क्यों? क्योंकि अड़तीस में चार का डिवाइड करोगे तो छत्तीस आएगा, इसका मतलब क्या बचा, दो, तो सात का पावर दो कर दो, ठीक है। उसका जो भी इकाई का अंक आ रहा है उसको नोट डाउन कर लो, उनको ऐड और घटा के देख लो, ठीक है। और घटाने का मैंने बता दिया कि जब सात में से नौ घटेगा तो सत्रह में से नौ घट रहा है इसका मतलब, तो आठ आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और कल या परसों में देखिए मैं वीडियो डालूंगा, आपका टेस्ट थ्री डालूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इसको एकदम टेस्ट के तरीके दीजिए जैसे आप टेस्ट को दे रहे हो जैसे, ठीक है, बिल्कुल वैसे इसको करने की कोशिश करिए। पहले इसको सॉल्व करिए, या आप इसको क्वेश्चन को पॉज कर करके भी कर सकते हैं, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। और मन करे तो स्कोर बता सकते हैं, ठीक है, वैसे बताता नहीं है कोई, बट आपका मन करे बहुत ज़्यादा तो आप लोग बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।